वेलकम टू फूड प्लान नर्सरी। फूड प्लान नर्सरी में आप सभी किसान भाई को दिल से धन्यवाद देकर वीडियो देखने के लिए। आज जो पार्सल बन रही है मैंगो प्लांट की, ऐसे कि 8-9 वैरायटी का मैंगो अभी तक पार्सल बन रही है, तो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पार्सल कैसे बनाते हैं, तो आप लोग देखते रहिए लास्ट अंत तक। तो पहले मैंगो के बारे में बोल रहा हूँ, ये आपको रेड पाल्मर मैंगो, ठीक है। हर मैंगो के ऊपर स्टिकर जो लगाना है लगा कर रखा है, तो पहचानने में आपको आसान हो जाएगी जो कौन से मैंगो पर कौन से पौधे पर कौन सी मैंगो है, इसके लिए स्टिकर लगा कर रखा है। दूसरा मैंगो में आते हैं R2E2 मैंगो। ये जो मैंगो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मैंगो है और खाने में बहुत ही मीठा होती है, और इसके साइज़ भी लगभग आपको 400 से 500 ग्राम के आसपास इसका साइज़ भी मिल जाएगी। तो इसका प्लांट भी देख लीजिए एक बार, कितना अच्छा ग्रोथिंग वाला प्लांट है, बहुत ही अच्छा ग्रोथिंग वाला प्लांट मिल जाएगी आपको। तीसरा नंबर आए काठीमन मैंगो। ये जो काठीमन मैंगो अभी है आपको ऑल टाइम काठीमन थाई मैंगो बोलते हैं इसको, साल में 3 बार फल आती है और बहुत ही बेहतरीन एक प्लांट है। तो ये जो काठीमन मैंगो है कांचे पर भी मीठा रहती है, पकने के बाद भी मीठा रहती है और बहुत अच्छा एक वैरायटी है। यह है ये जो मैंगो है बनाना का प्लांट है, बनाना मैंगो का, तो आप लोग देख सकते हो। और बनाना मैंगो का जो शेप होती है और लंबाई होती है और पकने के बाद भी देख सकते हो, फोटो भी दिया हुआ है, रेड कलर के आते हैं और खाने में बहुत ही अच्छा होती है। और उसका जो गुटलियाँ होती है वो पतला सा होती है, ठीक है। और दूसरा बार ये है मियाजाकी का मैंगो का प्लांट। ये मियाजाकी मैंगो अभी मार्केट में चल रही है, बहुत ही अच्छा डिमांड भी है इसका, तो आप लोग लगा भी सकते हो। तो इसका ये मैंगो का ज़्यादा ओजन नहीं आती है, एक मैंगो का आपको 300 से 450 ग्राम के अंदर आपको मैंगो में मिल जाएगी और बहुत ही रेड कलर की आती है, पूरा रेड कलर की रहती है। और ये भी बाहर के साइड में बहुत ही डिमांड प्लांट है, 3 फीट के ऊपर हाइट में मिल जाएगी आपको। और ये जो पौधे हैं 3 फीट के हाइट में आपको आप लोगों को मिल जाएगी, तो ऑल टाइम मेरे पास अवेलेबल रहती है। आप चाहे तो आपको चाहिए तो लगाना चाहते हो तो मेरा नर्सरी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर मेरा नंबर है, ठीक है सर। और ये देखिए पार्सल बनने की जो तरीका है वो आप दिखाने वाला हूँ। पहले तो एक बोरे के अंदर ले आ जाती है और एक बोरे के अंदर आपको समझ लीजिए 25 या 30 प्लांट बैठती है, तो इसके बैठने के काम चल रही है। आपको देख के समझ जाएगी कितना अच्छी से बढ़िया तरीके से हम लोग पार्सल बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ, और इतना अच्छा तरीके से आपको पार्सल बनाकर भी भेजते हैं हम बाहर की साइड, क्योंकि दूसरा कोई कोई आदमी आपको फ़ोन करती है जैसे पार्सल आती है लेकिन कुछ प्लांट भी टूट फूट जाती है, इसलिए हम आपको बोल रहे हो देख लीजिए एक बार पार्सल कैसे बनाते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। और हर प्लांट में आपको ऐसी स्टिकर में लगा हुआ है, जैसे कि समझ लीजिए आपको ये जो पार्सल बन रही है इस एक पार्सल के अंदर आपको 3 वैरायटी का प्लांट मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पहचानने में आपको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए वो जो टैग है टैग लगा कर भी हम लोग बाहर के साइड देते हैं। तो ऐसे देने के पर बाद में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो पैकेटिंग के बोरे के अंदर आपको दिया जा रही है, इसके अंदर से रोशनी से ऐसे बिल्कुल टाइट करके आपको बांधा जाएगी। तो ऐसे बांधने के बाद आपको देख लीजिए, देखते रहिए आप पार्सल, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको पार्सल बन रही है। तो इसका अंदर भी एक जो बम्बू होती है लकड़ी होती है वो देखा रखा है, बिल्कुल एक भी प्लांट कुछ भी नहीं होगा आपके उधर पहुंचने में, ठीक है। ये जो बम्बू है बम्बू दिया हुआ है, साइड से भी ये 3-4 बम्बू ऐसे ही दे देंगे हम, तो देख लीजिए एक बार। ये जो पैकेटिंग भी हो रही है बहुत ही सेफ्टी के साथ आपको प्लांट मिल जाएगी, तो पूरा आपको जो पैकेटिंग का जो प्रोसेसिंग रहती है वो आज दिखाने वाला हूँ, आप लोग देखिए। तो जिस किसान भाइयों ने लगाना चाहते हो, इंटरेस्टिंग है, या फिर कोई फार्मर खोलना चाहते हो, हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। मैंगो की ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हम लोगों के पास मिल जाएगी आपको, कम से कम आपको 40 के ऊपर वैरायटी है मैंगो का। तो किसी को चाहिए हो तो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ऐड किया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा।
और उसके ऊपर से जो अंडा का जो कार्टून आती है वो कार्टून देकर अच्छी तरीके से बांध दिया जा रही है। देखिए तो एक भी प्लांट भी एक भी पत्ता भी उसका अंदर से कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा गारंटी रहती है। और ये देखिए ये जो बम्बू दिया हुआ है चारों साइड में ऐसे ही बम्बू देकर रखी है, जैसे कि ट्रेन में जब लोडिंग होती है और उन लोगों को जो ट्रेन का लोडिंग चलती है तो बिल्कुल देख वो लोग तो दिखाते नहीं है, ऐसे इधर उधर का फेंक देती है। लेकिन ये लकड़ी देने के मतलब है इधर उधर जब फेंकेंगे तो भी कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से एक बोरा आ गई, अच्छे तरीके से पार्सल को बांध दिया जाएगी। और जैसे कि आप दोनों साइड में देख सकते हो दो फिटिंग किया हुआ है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको जो रस्सी है रस्सी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बांधा जाएगी। क्योंकि ये जो प्लांट बांध रही है ये जाने वाला है केरला की साइड, आपको कन्याकुमारी के जो जंक्शन स्टेशन है उधर जाने वाला है। ऑल इंडिया में हम प्लांट सप्लाई देते हैं, तो किसी को चाहिए हो तो हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह के से आपको पार्सल बनाकर हम भेजेंगे। तो मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।